आने वाला है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दतिया, भिंड, निवाड़ी में सीवियर हीट वेव का खतरा है। कई जिलों में भयंकर लू चलेगी, 25 से ज्यादा जिलों में लू चलेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये संभावना जताई गई है कि इस बार गर्मी भयानक पड़ेगी और 9 दिन ऐसे रहेंगे जो तपेंगे, धरती तपेगी। और सबसे ज्यादा दतिया, भिंड, मंदसौर, इन जगहों पर पारा 46 पार होने वाला है। और निवाड़ी में भी कहा जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 46-47 पार होगा। 45 डिग्री रतलाम में तो टेम्परेचर पहुंच गया है। खजुराहो में 44 है, इंदौर में 43 है, नौगांव में 44 है, सागर में 44 है। लेकिन सबसे ज्यादा दतिया, भिंड, निवाड़ी तपने वाले हैं, यहां पर पारा 46 पार होगा। मौजूदा समय में अगर देखें तो बीते ही दिन रतलाम से लेकर भोपाल का तापमान 45 पार पहुंच गया था। हीटवेव का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। गर्मी को देखते हुए सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एकमात्र यही विकल्प है कि आप गर्मी से बच सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपना आधा से ज्यादा काम 12 बजे के पहले निपटा लें। अगर आप बाहर भी निकल रहे हैं तो 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद निकले। हीट वेव और लू का कहर जो है वो प्रदेश में दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। रतलाम में तो सबसे ज्यादा 45 डिग्री पारा पहुंच गया है। 17 शहरों में अधिकतम तापमान 43 से ज्यादा है, 43 से लेकर 45 डिग्री के बीच में है। भोपाल में इस सीजन का सबसे गर्म दिन देखा गया। भोपाल में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस, बुंदेलखंड में 47 डिग्री तक पारा पहुंचा और कुछ जगहों पर तो बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो मौसम में अभी कोई राहत नहीं है, मौसम बहुत ज्यादा गर्म रहने वाला है। 45 डिग्री के पार मौसम होने वाला है। राजधानी का भी मौसम, भोपाल की अगर बात करें तो 45, ग्वालियर में ही कुछ इस तरह मौसम बना रहेगा, 44 के पार पारा। इसके अलावा भिंड में तो सबसे ज्यादा गर्मी, 46 पार पारा रहने वाला है। और मुरैना में भी कुछ इसी तरह 45 के करीब पारा रहने वाला है। इसलिए जितने भी इस इलाके के लोग हैं, इस शहर के लोग हैं, उन्हें खास तौर पर सावधानी बरतनी है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत कटारे भोपाल से हमारे साथ है, सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ है, रवि रमन त्रिपाठी हमारे साथ भिंड से जुड़ गए हैं और अमित शर्मा मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रशांत, भोपाल राजधानी का क्या हाल? देखिए, राजधानी 43.9 बीते दिन का अगर जिक्र करें तो 44 आप इसे कह सकते हैं, जबकि मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन था भोपाल के लिए वो 43 था, लेकिन उससे लगभग एक पॉइंट आगे ही भोपाल, राजधानी भोपाल चल रही है और आगे के लिए प्रेडिक्शन 44 था, यानी कि 45। और जो मौसम विभाग कह रहा है कि 45 का जो आंकड़ा है या 45 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो क्रॉस करेगी राजधानी भोपाल। भोपाल लगातार गर्म है। अमूमन अब जो कहा जाता है कि एक एक आम धारणा, एक लाइन चली है कि भाई सुबह नहीं होती, अब सीधी दोपहर होती है कुछ शहरों में, और उनमें भोपाल भी शामिल है, जहां सुबह से ही तपिश महसूस होनी शुरू हो जाती, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। रात भी बेहद गर्म हो रही हैं, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद मजबूरी जब होती है तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। राजधानी भोपाल में भी अगर आप कहें कि लू चल रही है तो गलत नहीं होगा। जैसे ही 44 जो टेम्परेचर छूता है उसके बाद लू का अलर्ट मौसम विभाग जारी कर देता है, और 46 से जब पारा ऊपर जाता है तो सीवियर हीट वेव, सीवियर कंडीशन मौसम विभाग अनाउंस कर देता है। और इस कैटेगरी में भी, सीवियर हीट वेव में भी दो तीन जिले हैं, भिंड है, इसके अलावा दतिया भी है, और ये दो तीन जगह जहाँ सीवियर हीट वेव का मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है। तो बाकी राजगढ़, भोपाल के साथ आसपास के जो कई और ज़िले हैं वो भी, वहाँ भी लू चलने की संभावना है। 20 से 25 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर भारी लू चलेगी। उन जिलों का भी हाल जानेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील भी जुड़े हुए हैं। सुशील, प्रशांत ने तो कहा कि भोपाल में तो दिन का कुछ पता ही नहीं चलता, मानो है इतनी गर्मी कि जैसे दोपहर हो गया हो। ग्वालियर में क्या हाल? भोपाल में सुबह नहीं दोपहर होती है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल जो गर्मी के लिए ही मशहूर है, अपनी सर्दी के लिए मशहूर है, यहाँ गर्मी भी बहुत तीखी है। यही वजह है कि जो राजस्थानी हवाएं आ रही है, गर्म हवाएं, उससे ग्वालियर चंबल अंचल एक तरह से झुलस रहा है। अभी अगर देखें तो जो अधिकतम तापमान है, ज़्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा चल रहा है,
और अब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उसके मुताबिक अगर देखें तो अब सीवियर हीट वेव चलेगी, यानी जो सामान्य का पारा है उस पारे से 4.5 डिग्री ज़्यादा तापमान रहेगा जिन इलाकों में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि सामान्य से अगर 4.5 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, अगर वो तापमान 47 डिग्री रहेगा और उस दौरान गर्म हवाएं चलेगी, तो निश्चित तौर पर उस इलाके में लोगों का हाल बुरा होगा, जनजीवन प्रभावित होगा। भिंड अभी येलो अलर्ट में है और इसके अलावा देखें तो ग्वालियर, मुरैना और दतिया के साथ ही अन्य जो बुंदेलखंड के कुछ इलाके हैं वहां पर भी हीट वेव चलने की संभावना है। और जैसा कि पूर्वानुमान है कि 25 मई से जब नौतपा शुरू होगा तो ये गर्मी कम होने की बजाय और भी बढ़ेगी। यानी 10 जून तक ग्वालियर चंबल अंचल और बुंदेलखंड के इन इलाकों में लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिलेगी। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर सेहत के प्रति सजग होने की सलाह दी है। दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक हीट वेव के दौरान यात्रा न करने और मुंह पर कपड़ा बांधने, शरीर को कवर करने के चलने की सलाह दी है। बाइक से यात्रा न करने की नसीहत दी है। ग्वालियर में अगर देखें तो लोगों को सावधान करने के लिए ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है कि लोग मौसम को समझें और उस तरह से सावधान हो जाएं। रवि रमन भी भिंड से जुड़े हुए हैं। रवि रमन, भिंड में तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, 46 के पार पारा जाने वाला है। मौसम विभाग ने हीट स्ट्रोक, हीट वेव की भी संभावना जताई है। जी अंशिका, मैं आपको बताऊं कि इस समय ग्वालियर चंबल संभाग में गर्मी का जो कहर है वो इससे भिंड भी अछूता नहीं है। लगातार भिंड जिले का जो तापमान है वो तापमापी पर लगातार बढ़ोतरी कर रहा है और इस समय जो तपन है वो सुबह से ही, जो अभी हमारे हमारे साथी जो प्रशांत कटारे हैं उन्होंने कहा था, मैं भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि भिंड के लिए भी यही लाइन दोहराई जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि लोग जब तक जाग नहीं पाते हैं तब तक तो सूर्यदेव का जो प्रकोप है, सूर्यदेव की जो तपन है वो कहीं ना कहीं लोगों तक पूरे आबो हवा में फैल जाती है। और यही कारण है कि बच्चे जो हैं वो इस बार कोचिंग नहीं लग जा पा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। वहीं अगर यदि कोई भी घरेलू सामग्री के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ दादा हैं। दादा, आपकी उम्र कितनी होगी और कब से नहीं देखी आपने ये गर्मी? बहुत ध्यान से नहीं देखी, गर्मी ज्यादा पा रही है। क्या लगता है आपको कितनी समस्या को सामना करना पड़ रहा है इस गर्मी में? कितनी मतलब गर्मी से क्या क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। देखिए, हमारे साथ ये मजदूर थे, ये जा रहे थे, रास्ते में रोककर मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया। उनकी उम्र 60 से ज्यादा हो गई है, लेकिन 70 साल से ज्यादा अधिक उम्र होने के बाद उन्होंने कहा है कि अभी तक इतनी गर्मी, चूंकि मैं आपको बताऊं कि ग्लोबल वार्मिंग इसकी अहम जो गर्मी में जो तपन है वो ग्लोबल वार्मिंग भी मान सकते हैं, क्योंकि लगातार जो घरों में अब एसीओ की मात्रा भी बढ़ने लगी है, लगातार जो एसी है हर घर में लगने लगी है, फ्रिज है, इनसे भी जो सीएफसी गैस निकलने वाली है वो कहीं ना कहीं ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर गर्मी हो रही है तो न केवल ये सूर्यदेव को दोष दिया जाएगा बल्कि जो यूटिलाइजेशन है चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसका एनवायरमेंट पर असर तो पड़ेगा ही। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरैना से। अमित, मुरैना में कितनी गर्मी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मुरैना में गर्मी की बात की जाए तो अभी प्रेजेंट में 11 बज चुके हैं और 42 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो 12 और 1 बजे के बीच में 44 डिग्री को क्रॉस करने वाला है। मैं इस समय मौजूद हूं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये MS रोड है। यहाँ सड़कों पर जिस तरीके से 10 बजे के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और डॉक्टरों की माने तो उन्होंने भी साफ कह दिया है कि 10 बजे से पहले जो ज़रूरी काम है वह कर लीजिए, उसके बाद में जो हीट वेव यानी कि जो लू के थपेड़े चलते हैं उससे बचने के लिए सुबह 10 बजे के बाद से लू के थपेड़े चलने लग जाते हैं और शाम को 5 से 6 बजे तक चलते हैं। तो इस वजह से दिन भर यानी कि दोपहर का समय होता है वो पूरा ही लोग घरों में रह करके कूलर पंखे से और जो ठंडे पदार्थ यानी कि तरल पदार्थ, गन्ने का जूस वगैरह लेकर के निकाल रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो राजस्थान से जो गर्म हवाएं आती हैं मुरैना होकर के ही MP में दाखिल होती हैं, यही वजह है कि सबसे ज़्यादा गर्म MP में मुरैना रहता है। और अब देखा जा रहा है कि 12 नहीं बजे, अभी 11 बजे हैं, उसके बाद ही 42 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पहुंच चुका है। जी,
बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित, आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी मध्य प्रदेश के कई शहर कई जिले ऐसे हैं जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है और इसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव और लू का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया। वो शहर वो इलाके हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है और मौजूदा तापमान क्या है वो भी आप देख रहे हैं। भोपाल में इस सीजन का सबसे गर्म दिन माना जा रहा है, भोपाल इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है और इससे पहले कभी इतनी गर्मी भोपाल में नहीं देखी गई है कि जब 45 पारा पहुंच रहा हो, लेकिन कई जिले तो ऐसे भी हैं जहां 45 के पार पारा जा रहा है। और अब बात होगी रायपुर की, जहां सफाई कर्मियों ने हड़ताल जो की थी वो खत्म कर दी है। वेतन बढ़ाने की मांग थी सफाई कर्मियों की, जिसके बाद उन्हें भरोसा दे दिया गया है। कंपनी ने एक महीने का समय मांगा है काम पर, अब सफाई कर्मी लौट गए हैं और अब उन्होंने जो हड़ताल थी वो खत्म कर दी है। तो कंपनी की तरफ से उनकी मांग को मान लिया गया है, लेकिन एक महीने का समय जो है मांगा गया है, जिसके बाद एक महीने का वेतन जो रुका पड़ा था उसको भी रिलीज करने की बात कंपनी की तरफ से की गई है। वेतन बढ़ाने की भी बात की जा रही थी, कुछ ऐसी अहम मांगे तमाम कर्मचारियों की जिसको लेकर वो हड़ताल पर बैठ गए थे। उनका कहना था कि अब वो काम नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, लेकिन उन्हें आश्वस्त किया गया है कंपनी की तरफ से कि अब वेतन बढ़ा दिया जाएगा। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि वेतन बढ़ाने की मांग थी उनकी, अब उसको पूरा करने की बात कंपनी की तरफ से की गई है, उन्हें आश्वासन दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जो ये जो सफाई कर्मी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो रामजी कंपनी के सफाई कर्मी हैं और ये डोर टू डोर घर जाकर कचरा कलेक्शन जो है वो किया करते थे। अब इनकी मांगों को लेकर इनकी कंपनी से सहमति बनी, कंपनी के द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है वेतन वृद्धि के लिए। साथ ही सुरक्षा की मांग जो कर्मचारी कर रहे थे, उनका कहना था कि जब हम घर घर कचरा कलेक्शन करने के लिए जाते तो हमारे साथ बस सलूकी की जाती, तो इन तमाम मांगों को लेकर इनकी सहमति बनी है। हालांकि कंपनी ने अभी एक महीने का जो है वो समय मांगा है इनकी मांगों को पूरा करने के लिए और इन्हीं मांगों को लेकर सफाई कर्मियों को आश्वस्त किया है, जिसके बाद करीब 800 से 900 सफाई कर्मी जो है अपने कामों पर अब वापस लौट गए। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। सूरजपुर में कोल स्टॉक में भीषण आग लग गई, गर्मी से कोल स्टॉक में आग लगने की संभावना है। आग बुझाने में टीम लगातार जुटी हुई है, माइंस की दमकल टीम जो है वो मौजूद है मौके पर। एसईसीएल विश्रामपुर के आम गांव माइंस की घटना है और यहां देखिए आप कैसे गर्मी से कोल स्टॉक में आग लगी। गर्मी के इस मौसम में कोल स्टॉक में आग लगी है। बैतूल से खबर, जहां महाराष्ट्र बॉर्डर पर रेव पार्टी पर छापेमारी की गई। रिजॉर्ट में चल रही थी रेव पार्टी, 30 से ज्यादा युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है। मौके से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ मिले हैं और गौनापुर चौकी के पास रिजॉर्ट में पार्टी हुई है। भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। भोपाल में 250 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। जिले में कुल 576 अवैध कॉलोनी चिन्हित की गई है। कलेक्टर की चेतावनी के बाद भोपाल में बड़े स्तर पर अवैध कॉलोनी का सर्वे शुरू हुआ। 4 जून के बाद अब बड़ा एक्शन भी हो सकता है। हुजूर तहसील में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां कोलार और गोविंदपुरा में भी बड़ी संख्या में अवैध रेत कॉलोनियां हैं। बैरागढ़ में सबसे कम संख्या में अवैध कॉलोनी आई सामने। इसी के साथ कॉलोनाइजर को नोटिस दिया जाएगा। अवैध कॉलोनियों की जमीन को नीलाम करने की भी तैयारी चल रही है। रायपुर से खबर, जहां अरुण साव का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बोले, हाईकोर्ट ने इंडिया गठबंधन पर तमाचा मारा है। कोर्ट का इंडिया गठबंधन के गाल पर तमाचा, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को दिया। उच्च न्यायालय का ताजा फैसला जो आया है वो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा है। ये किस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के हकों को लूट कर, पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए
मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया, जिस प्रकार से अनेक राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मुस्लिम समाज को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।